प्रेजेंट बाय चेतना कैसेट्स। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। करो फीवर बहुत ज्यादा है। जय हो। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। खुली सच्ची दरबार की। हाँ, थोड़ी प्रभु श्री राम के लिए सुस्ती अच्छी नहीं है। खुली राघव कुल नरेश की, रामचंद्र भगवान की, बोले श्री पाटिया महादेव की। क्या बात है, सेवा दीजिए थोड़ी थोड़ी। मित्रों जी, देश में आप रह रहा बटे आज की समय में कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन आपने ध्यान बेणो सवे कि ये वही देश है जटे 14 साल तक एक राजा की पावड़िया राज कर ली, भगवान श्री राम की पावड़ी राज कर ली, और राज में कोई फर्क नहीं पड़े। इससे बढ़िया देश कोई हो सकता है, जहां कोई राजा की लड़ाई नहीं थी, बड़े भाई के लिए छोटे भाई ने राज सिंहासन त्याग दिया। अगर बड़े बैठेगा तो बड़ा ही बैठेगा, छोटे का अधिकार नहीं है। ये वो मर्यादा की धरती है जिस धरती पर आप और हम सब ने जन्म लिया है। एक बार इस धरती माता के लिए, भारत माता के लिए ताली होनी चाहिए आप सबकी, जहां हमने जन्म लिया है और किसी का क्या। तो लिखा विद्वानों ने, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, जय हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमति के जैसी भक्ति
और शक्ति हो और हनुमति के जैसी भक्ति और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोली श्रवण कुमार की, बोली शबरी मात की, बोले बजरंगी बली जय हो। आनंद लेते हुए यहां आने के बाद कोई गम नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण सा भाई हो, देखिए श्रद्धा हो तो श्रवण कुमार जानकी हो। एक बार तो श्रवण का स्वागत कीजिए ताली बजाकर। मारे सजना, सतयुग में श्रवण कुमार जन्म लियो और बिरे बाद में त्रेता भी आयो, द्वापर भी आयो और कलयुग भी आयो, लेकिन श्रवण कुमार के नाम के नीचे कोई दूसरा श्रवण को नाम नहीं जुड़ियो। क्या इस समय में करोड़ों बेटों ने जन्म ले लिया, बहुत बेटों ने जन्म लिया, लेकिन दूसरे नंबर पे कोई नहीं आ पाया? तो श्रद्धा हो तो हे प्रभु मेरी श्रवण कुमार जानकी हो, जब मारे माँ बाप के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो मैं तैयार रहूं ये माँ बाप की सेवा के लिए। और शबरी सी भक्ति हो, एक बार आप लोग ताली बजाओ शबरी माँ के लिए। पतो शबरी को नाम शबरी क्यों पढ़ियो? शबरी को नाम शबरी ई वास्ते पढ़ियो। जय हो। और देखिएगा हम सभी के बीच में आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी वालोनी को आप सभी लोग सुन रहे हैं। अहमदाबाद की सरजमी से निकल करके पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने भोलेनाथ के भजनों को बहुत सुमधुर तरीके से गाया, राष्ट्र वंदना के सुरों के साथ में भक्ति के मंचों की अपने आप में होनहार भजन गायिका हमारी दीदी आशा जी वैष्णव आई है। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजाकर स्वागत। क्या बात है। शबरी को नाम शबरी इन वास्ते पढ़ियो के गुरु महाराज मतंग ऋषि बोलिया बेटा थारी भक्तियों मने लागे एक दिन भगवान थारे घरे जरूर आवेला। तो शबरी इतो सबर करियो, इतो सबर करियो कभी को नाम ही शबरी वह गयो। तो ऐसी ऐसी माए अपनी धरती पर जन्मी है। लिखा है लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, और आपके जैसा प्रभु मेरा रघुराई हो, और आपके जैसा प्रभु मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की, हरि बोल। मेरा जीवन नैया हो, प्रभु आप खिवैया हो, मेरा जीवन नैया हो, प्रभु आप खिवैया हो, मेरे सिर पे सदा ही प्रभु कृपा की छैया हो।
के सदा ही प्रभु कृपा की छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। एक बार जयकार लगा दो, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री पाटिया महादेव की, अमर हो जाओ। वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना